हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आप भी जो टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा विंटर हो गया, बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को, अपनों के साथ बहुत अच्छा फेस पैक शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। ताकि आप लोग, मतलब आपकी फ्लेकी स्किन है या फिर बहुत ज्यादा ड्राई रहती है या फिर आप ऑयली स्किन वाले भी है ना, तो ये ऑल स्किन सूटेबल ये फेस पैक है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये वर्क करता है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ एक क्रीम है मेरी। और आप देख सकते हो कितना, मतलब मेरा फेस कितना हाइड्रेट दिख रहा है, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई नहीं है, बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये फेस पैक है ना, बहुत ही अमेजिंग है। थंबनेल से आप पहचान ही जाओगे यार किस चीज का फेस पैक है। बट इसमें जो डाले हैं ना इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही अच्छे हैं, माइंड ब्लोइंग काम करते हैं विंटर्स में खासकर। क्योंकि अगर आप लोग जानते होगे, मतलब स्वेट आता है और आप विटामिन सी जो चीजें होती हैं वो यूज करते हो ज्यादा, स्वेट वाली जगह पर तो बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। लेकिन अभी विंटर चल रहा है, विंटर में आपको स्वेट नहीं होगा, तो आप जब ये वाला चीज यूज करोगे ना, तो काफी अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो फटाफट से देख लीजिए इसको मैंने किस तरह से बनाया है, किस तरह से यूज किया है। और हाँ, विंटर चल रहा है इसलिए मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट लगाया है। अगर आप चाहें, आप सहन करना चाहते हो या फिर आपको नहीं होता है जुकाम वगैरह, तो आप कुछ टाइम के लिए और लगा सकते हो, जैसे 15 मिनट्स या 20 मिनट्स रख सकते हो अगर आप धूप में बैठ रहे हैं तो। बट मैं धूप में नहीं बैठी थी, तो इसलिए मैंने 10 मिनट्स के बाद ही इसको रब करके निकाल दिया था। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए इसको मैंने किस तरह से बनाया है, किस तरह से यूज किया है, किस तरह से इसको निकाला है, तो फटाफट से देख लीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक बहुत ही अच्छा फेस पैक, जो कि विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है और अभी बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो मैंने सबसे पहले लिया है 1 स्पून के करीब मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और इसमें मैं ऑरेंज पील पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, जो कि है एल्प्स गुडनेस का। तो मैं इसको डाल रही हूँ, और ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो आप देख सकते हो दोनों का कलर बिल्कुल सेम है और पाउडर बहुत अच्छा है। तो बस इसमें 1/2 स्पून करीब ऑरेंज पाउडर डाल लूंगी, क्योंकि विंटर्स है और विंटर्स में ये बहुत ज्यादा ड्राई कर देगा आपकी स्किन को, और लाइटन तो बनाता ही है, ब्राइटन अप भी करता है, इसलिए बहुत ही अच्छे हैं ये दोनों ही चीजें। जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड कर लीजिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी स्किप कर दीजिए। तो और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन, चिक्की फ्लावर, और इसके बाद मैं ऐड करूंगी मलाई, और ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है, तो फ्रेश मलाई इसमें ऐड करनी है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे। इस वजह से तो आपका ना फेस पैक इसमें ही मिक्स हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका ये इस तरह से दिख रहा है ना, तो आप इसमें रोज वाटर ऐड कर लीजिएगा, तो मैं रोज वाटर भी ऐड कर लूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि कितने अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन गया है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। तो चलिए इसको मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज कर देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, ड्राई स्किन है तो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है तो ऑल स्किन सूटेबल है ये। तो आप इसको बहुत अच्छे से बनाइए और इस तरह से लगाएंगे ना, तो आपकी स्किन में लाइटन अप तो होगी लेकिन ब्राइटन अप भी हो जाएगी। डालने के लिए बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, बट बस इतनी ही चीजें आप ऐड कीजिए और काफी अच्छे से आप इसका फायदा उठाइए, और बहुत ही अच्छा है ये। मैं इसको बहुत टाइम से यूज करती हूँ, खास करके विंटर्स में, तो बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देता है। अगर आप इसको रोज भी लगाते हो, हर डे लगाते हो, तो भी बहुत ही अच्छा आपका फेस पर इफेक्ट आएगा। तो चलिए फटाफट से इसको यूज करते हैं अपने फेस पर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इसको मैंने बना लिया है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो 10 मिनट्स इसको लगाकर रखूंगी मैं, उसके बाद मैं वॉश कर दूंगी, क्योंकि अभी देखिए बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा सा लगता है ना इसको लगाने के बाद। कोई भी पैक लगाएंगे तो बहुत ठंडा लगता है, खासकर कि जो मार्केट के सॉरी DIY वाले जो पैक होते हैं ना, बहुत ज्यादा ठंडे ठंडे लगते हैं, और इसलिए बस लगा रही हूँ मैं, और 10 मिनट्स बाद धुल दूंगी क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। तो बस इसको लगाऊंगी और 10 मिनट्स बाद आप इसको रब करके निकाल दीजिएगा। तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट से।
फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि मैं इसको लगा रही हूँ इस तरह से, इसको पूरे फेस पर और नेक पर आपको लगा लेना है और इसको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए आपको लगा कर रखना है। विंटर चल रहा है, अगर आप बाहर बैठे हो तो 20 मिनट्स में लगा सकते हो, मतलब 20 मिनट्स तक दे सकते हो धूप में है तो। तो ये देख सकते हो मैं रब कर रही हूँ, अब 10 मिनट्स हो गए थे तो अब मैंने धो लिया है, आप देख सकते हो मैंने धुल भी लिया है, कितना अच्छा ड्राई ड्राई बिल्कुल भी नहीं है मेरा फेस। तो देखा ना फ्रेंड्स आप लोगों ने कितना अच्छा अमेजिंग सा पैक है, सिर्फ आपको घर में ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जो भी मैंने डाला है सब आपके पास होगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, मुझे आप फॉलो कर रहे हो या फिर आप मुझे अभी स्टार्ट किया है देखना, तो बहुत अच्छे से ये रिजल्ट देता है फ्रेंड। और ये इतना अमेजिंग है ना ये फेस पैक कि आप खुद ही बिलीव करोगे, बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। आप लोग इसको ना डेली बेसिस पे भी आप लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप इसको रोज लगा सकते हो, ये इतना हाइड्रेट कर देता है फेस को। और जब आप निकालते हो ना बिल्कुल ऐसे निकलेगी ना स्किन, जैसे अभी तो आप लगाए नहीं हो, बिल्कुल इस तरह से गोल गोल होकर निकल जाएगा बिल्कुल से, और बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, इस विंटर से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, और थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गया हो तो शेयर भी कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, उसको भी हिट कर देना, और जैसे आप हिट करो कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और चेकआउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस फेस पैक को ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आप लोग और भी आप चाहते हो, मैंने ना बहुत ही अच्छे से एक DIY एक सीरम बनाया है मैंने, और एक टोनर बनाया है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग उस टोनर को और सीरम को देखना चाहते हो, वो मैंने बनाया है, जो भी सब कुछ उस वीडियो में मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोग शेयर करो, मतलब आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ही इसकी जो पूरा प्रोसेस है, किस तरह से क्या यूज़ करना है, किस तरह से क्या होता है, ये सारा ही सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि मैं उसमें तो काफ़ी अच्छे से आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो मिलते हो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।